तो आज का टॉपिक है जो तीन नए क्रिमिनल लॉज हैं, है ना। उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी, कुछ सेक्शन रिपील किए गए थे, ठीक है, कुछ नए सेक्शन ऐड किए थे। तो तीनों चीज़ हुई हैं, कुछ सेक्शन रिपील हुए हैं यानी कि हटाए गए हैं, कुछ नए ऐड किए गए हैं और कुछ को मॉडिफाई किया गया। तो इस टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉज, ये 1 जुलाई से अब एनफोर्स में आ गए हैं, इसीलिए करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात तो चाहे पर्सनल टेस्ट हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे ओवरऑल नॉलेज हो, हमें नाम पता होना चाहिए क्या नाम है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना कि क्या नाम है। पहले इंडियन पिनल कोड था एक, ठीक है, फिर क्रिमिनल सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, और थर्ड गया इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीन मतलब कि कॉलोनियल टाइम पे, ब्रिटिश टाइम था तब से बने हुए थे, तो उस कॉलोनियल एरा के लॉज को एक न्यू नाम देके आज के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए इनमें अमेंडमेंट्स की गई है। पहली बात तो नाम चेंज किया ताकि हमें लगे कि हमारा इंडियनाइज फॉर्म दिया उसको, कि हमने ये बनाए खुद अपने उस पर। तो पहला जो नाम दिया है वो दिया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। दूसरा दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। अब हिंदी वर्जन समझोगे, इसका हिंदी समझ लोगे तो याद रह जाएगा। तो कोड क्या कहता है, इसका कोड ही कहता है कि नागरिक की सुरक्षा होगी ना, तो नागरिक की सुरक्षा होगी तभी उसको न्याय मिलेगा, है ना। जब तक आपकी सुरक्षा ही नहीं है तो क्या न्याय मिलेगा। और वो साक्षात दिखनी चाहिए आपको सामने, ठीक है ना। साक्षात क्या नहीं दिखनी चाहिए, तो इसको क्या होनी चाहिए, साक्ष्य होनी चाहिए। एविडेंस का मतलब क्या होता है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एविडेंस है, तो सामने साक्ष्य होनी चाहिए। साक्षात से याद रखो, साक्षी है ना, अग्नि को साक्षी माने दिख रहे हैं, तो साक्ष्य मतलब दिख रहा है वो सामने, एविडेंस है, एविडेंस। तो पहला क्या होना चाहिए, नागरिक की जो सुरक्षा है ना, तो नागरिक सुरक्षा और अगर वो होगी तो ही न्याय मिलेगा उसको, और वो साक्षात होना चाहिए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और वो साक्षात, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन तो नाम हो गए। तो पहला काम आता है नाम का, वो आपने याद कर लिया। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, है ना, वो इसीलिए था, रिसेंटली दीज थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज हैव बीन इनेक्टेड एंड दे आर सेट टू बी इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2024। जो अर्लियर पिनल कोड सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब ये कुछ फैक्चुअल देखो, हमें दोनों एंगल से करना है। कुछ चीजें हम फैक्ट भी याद करेंगे, स्टेट पीसीएस में आ जाता है, अगर यूपीएससी मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, और कुछ हम एनालिटिकल पार्ट करेंगे जो मेंस में आप लिख के आओगे, मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है उस चीज को। तो पहला क्या है कि ये अर्लियर थे, है ना, और ये न्यू वाले हैं। तो इंडियन पिनल कोड 1860, है ना, वो क्रोनोलॉजी वाइज भी अरेंज करा सकते हैं इनको। तो सबसे पहला, सबसे पुराना कौन सा है, इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860, ठीक है। तो ये किससे रिप्लेस हो गया आपका, भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले सेक्शन कितने थे, 511, अब इसमें क्या हो गए, सेक्शन कम हो गए, 358। अगला क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नागरिक सुरक्षा से रिप्लेस हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें सेक्शन कितने हैं, 531, और पहले वाले में कितने थे, 484। इसमें दे सेक्शन कम हुए हैं पहले वाले में, है ना, इसमें सेक्शन बढ़ गए आपके। और सेकंड जो लास्ट वाला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें कितने थे, 167, और इसमें सेक्शन कितने हो गए, 170, तो इसमें भी बढ़े हैं। तो दो में बढ़े हैं, पहले वाले इंडियन जो आपका पिनल कोड था उससे जो न्याय संहिता है उसमें कम हुए हैं, ठीक है। तो किसी में बढ़े भी हैं कम, ये भी नहीं आ सकता कि सब में बढ़े ही हैं सब में कम हुए हैं, ऐसी स्टेटमेंट आए तो गलत होगी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सेक्शन बता दिए कितने थे, कितने होने चाहिए, और दूसरा आपका नाम बता दिया मैंने, कुछ भी चेंज करना, डेटा थोड़ा मॉडिफाई करना है। अब देखो ये है मेन चीज जो आपको याद करनी है, जो पर्पस है मेरी क्लास का, ठीक है। आपको सबको मैंने काम दिया था, कुछ बच्चों ने किया है ना, आप उसको कैसे करना था वो मैं बताऊंगा आपको। काफी आपने अच्छे लिखा भाई, पॉइंट्स वॉइंट बता दिए, ठीक है, लेकिन इतना सारा कई चीजें हमें याद, हमें लिमिटेड चीजें याद रहेंगी, वो मैं लिमिटेड चीजें आपको याद करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये पूरे दो तीन, ये तीन एक्ट जो है इनमें 10-12 चीजें आपको याद रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ एड एक्स्ट्रा एड होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर इतना तो याद करना ही करना है, पढ़ाई करने का यही तरीका होता है, कुछ मिनिमम चीजें याद कर लो, उसके बाद वो स्ट्रक्चर बनता रहता है, फिर वो ऐड हो जाएगा। हम बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं करते, फिर वो स्ट्रक्चर ऐड ऑन नहीं होता, हमेशा ये गलती होती है। जब भी आप देखना, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, उनके भी सिलेक्शन नहीं होते कई बार, क्योंकि तो वो पढ़ते ही हैं बस, वो ना वो इंटरनलाइज करते हैं, ना वो दिमाग में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ना वो आंसर राइटिंग करते हैं। सर इतना एम्फेसाइज कर रहे थे आंसर राइटिंग पे, इसलिए तो कर रहे हैं, और डेली का जो इम्प्रूवमेंट होगी वही काम करेगी। आप सोचो मैं 2 दिन बाद कर लूँगा, फिर 1 दिन छुट्टी कर लूँगा, वो हो ही नहीं पाएगा,
कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है सिविल सर्विस में। अब रिजल्ट भी आया प्री का, तब भी हमें रियलाइज हो रहा है, मेंस में रियलाइज होता है कि ऐसा इतना इजी केक वॉक है ही नहीं। अगर आप सोचो कि ठीक है आज मन किया नहीं किया, अब पहले होता था पेपर पूरा भर के आते थे बच्चे इंटरव्यू कॉल, अब वो भी नहीं आ रही है। कंटेंट भी एनहेंस करना है आपको, तो कैसे करोगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो रेगुलर मेहनत करनी है, लगातार करनी है, ठीक है ना, और तरीके से जो बताया उसको फॉलो करना है। अब देखो, अब बात करते हैं लिंचिंग के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इसमें कुछ बातें हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें ऐड हुई है। तो लिंचिंग के लिए एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया लिंचिंग को। पहले लिंचिंग के लिए हमारे पास कोई कोडिफाई नहीं था लॉ, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी मॉब लिंचिंग हुई है पिछले 3-4 साल में, लिंचिंग काफ़ी न्यूज़ में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि एक एक्ट होना चाहिए इसके ऊपर या एक रूल होना चाहिए इसके ऊपर, तो रूल्स होने चाहिए। तो आस बाय द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट नाउ इंक्लूडेड। अब देखो कैसे यूज करोगे अक्रॉस द सिलेबस, जब जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर इनका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें रेफरेंस दे सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी गाइड करता है लेजिस्लेचर्स को। एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा था कि लिंचिंग के ऊपर एक लॉ होना चाहिए और गवर्नमेंट ने जब अमेंडमेंट किया क्रिमिनल लॉज के अंदर तो इंक्लूड कर दिया। तो कैसे एक हेल्दी हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिफरेंट थ्री विंग्स। कंटेंट वही है, उसको मैं आज सिखाऊंगा कैसे आप अक्रॉस द सिलेबस, अक्रॉस द सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। इसलिए कहता हूँ लिमिटेड को याद कर लो, उसको यूज करना सीख जाओ अलग अलग जगह पे। अब ये एग्जाम्पल अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको पेपर 2 में गवर्नेंस में भी यूज कर लोगे, ठीक है ना। तो अब लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया अब लिंचिंग को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड कर दिया। तो अब नए क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग लिंचिंग क्या है, एक सेपरेट ऑफेंस है। न्यू रूल्स फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेरर, तो अब ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के लिए भी क्या होगा, एक नए रूल्स आ गए, ठीक है। अर्लियर इट वॉज अंडर द डिफरेंट लॉज लाइक UAPA एंड अदर स्टेट स्पेसिफिक लॉ। तो पहले किसके अंदर था, मान लो अलग अलग UAPA हो गया, अलग अलग लॉज थे टेररिज्म के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, फिर स्टेट ने अपने बना रखे थे, जैसे महाराष्ट्र का अपना अलग था टेररिज्म को लेके। तो एक अब क्या हो जाएगा, सिंगल लॉ हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसीलिए टेररिज्म के लिए और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए क्या हो गया, अलग से सिंगल लॉ आ रहा है इसमें अंदर, ठीक है, मतलब सिंगल प्रोविजन आ रहा है इसमें। तो न्यू रूल्स, नए रूल्स, न्यू रूल्स फॉर द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेरर। अब यही पार्ट आप यूज कहाँ कर सकते हो, अपने पेपर 3 के अंदर जो सिक्योरिटी वाला पार्ट आएगा। अब देखो इसमें फोकस ऑन स्पीडी जस्टिस, अगला काम क्या है कि इन्होंने स्पीडी जस्टिस पे फोकस किया। पहले हमारे चलते रहते थे केसेस, ठीक है, कब चार्जशीट होंगे पता नहीं, फिर ट्रायल हो भी गया जजमेंट तो उसमें जजमेंट आने में टाइम लग जाता था। तो अब इन्होंने क्या नया रूल किया है फ्रेम कि चार्जेस मस्ट बी फ्रेम्ड इन 60 डेज, अब टाइम लिमिट दे दिया कोई, अब ये चार्जशीट होने चाहिए 60 दिन के अंदर फ्रेम होने चाहिए। एंड इन ट्रायल्ड केसेस, जो ट्रायल हो गए केस उसके अंदर जजमेंट निकालो 45 डे के अंदर। तो अब टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जस्टिस के लिए, ठीक है। तो एक बात ये समझ में आ गई आपको। अब मान लो कोई सोशल जस्टिस का क्वेश्चन आता है, कोई जस्टिस का आता है, ठीक है, पेपर 2 में अगेन जुडिशरी का क्वेश्चन आता है, तो फिर आप उसको डाल दो वापस कि जो न्यू रो क्रिमिनल लॉज है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं स्पीडी जस्टिस को, तो गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव स्टेप है ये। आ रही बात समझ में, ऐसे रटने हैं सारे प्रोविजन और उनको यूज करना है। चीजें तुम्हें याद रहेंगी ना तुम अक्रॉस द सिलेबस को यूज कर लोगे, याद नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मतलब कई बच्चों ने 5-5 दिन भी लगा दिए होंगे, डेली आर्टिकल भी फॉलो कर रहे होंगे, तब भी उनसे तुम पूछो, उनको नाम ही नहीं बताऊंगी तीनों, तुम्हें कम से कम ये तो पता है नागरिक की सुरक्षा के लिए अगर होएगी उसकी तभी वो क्या करेगा, उसको न्याय मिलेगा और वो साक्षात होना चाहिए। तो तुम कर दोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और साक्ष्य अधिनियम भारतीय, तुम्हें तो याद होगा ना कोड से, कम से नाम पहले तो आओगे, तो एग्जाम अंडरलाइन करके आओगे तो उनको लगे हाँ सबसे। अब फिर तुम बात करोगे भाई इतने एक्ट थे, इतने हो गए सेक्शन थे, इतने सेक्शन हो गए, बड़े का मैं अगर प्री में पूछता है तो तुम कर लोगे, फिर तुम्हें मेन से 12 पॉइंट में याद कराऊंगा कि वो लिख के आओगे, अक्रॉस द सिलेबस तुम उसको यूज करोगे। ये होती है पढ़ाई, एक टॉपिक को ऐसे खत्म करना है। अब कुछ 1-2 पॉइंट ऐड होएगा वो ऐड कर लेना, मेजर मैंने आपको करा दिया नहीं होएगा। जनरली मैं देखता हूँ कि रोज 1 घंटा आएगा, उसमें एक बड़ा आएगा हिंदू का आर्टिकल, 4-5 वीडियो देखेंगे, फिर 1-2 देखेंगे, याद कुछ हो रहा नहीं उनको, वो नहीं करना है। हमें 5 बात कर लो पर याद कर लो उसको, तुम भी कॉन्फिडेंट रहोगे, किसी को बता पाओगे, लिख पाओगे। इतना कितना लिखा है मैंने, 2-2 लाइन तो लिखी बस तुम्हारे लिए। मैं कीवर्ड फोकस करता हूँ, मेरे को पता है एक मॉब लिंचिंग पे आ गया बात, एक टेरर पे ऑर्गेनाइज क्राइम पे नया, इन दोनों पे नए रूल आ गए, ठीक है। तीसरा फास्ट स्पीडी जस्टिस की बात हो रही है, 60 डेज और 45 डेज, खत्म बात। अगला है इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं कि रिफॉर्म करो लोगों को, केवल ऐसे मत दो पनिशमेंट, तो उनको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस करो, सफाई करो स्ट्रीट की, ठीक है, कूड़ा उठाओ, ठीक है, कोई मॉन्यूमेंट है उसको रिपेयर करो। ये जजमेंट, ये पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड बाय द जज, कोई स्पेसिफाई नहीं किया,
पर कितना रिफॉर्मेटिव स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है कि आप ऐसे जजमेंट नहीं रहे कि जेल काटो, आप उनको कम्युनिटी सर्विस कर, ये आपको जेल में जाने की जरूरत नहीं है और आप कम्युनिटी की सर्विस भी कर रहे हो, वहाँ भी फायदा हो गया। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिफॉर्मेटिव जस्टिस, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, अगर याद होना चाहिए आपको। तो इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट टाइप टू बी डिसाइडेड बाय, क्या होगा वो जज डिसाइड करेगा, ठीक है। अगला प्रोविजन है जीरो एफआईआर, इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिडिक्शन। निर्भया केस जब हुआ था दिल्ली में, जो रेप केस हुआ था, उसके बाद ये जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी, उन्होंने कहा था कि देर शुड बी द प्रोविजन ऑफ जीरो एफआईआर। उसमें क्या होता है, मान लो क्राइम एक पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन में हुआ, तो पुलिस वाले एफआईआर नोट नहीं कर रहे थे कि हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, आप वहां जाइए। अब क्या कर दिया इसमें कि जीरो एफआईआर, कहीं पे भी क्राइम हुआ कहीं पे भी रिपोर्ट हो सकता है, बाद में इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू दैट ज्यूरिडिक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, पर रिपोर्ट आप कहीं भी कर सकते हो। तो जीरो एफआईआर का जो प्रोविजन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया इन क्रिमिनल लॉज के अंदर। तो पांचों पॉइंट सही समझ में आ रहे हैं, बस कीवर्ड याद रखने हैं। पहला क्या था, लिंचिंग के रिगार्डिंग न्यू रूल्स आ गए। दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर के रिगार्डिंग न्यू रूल्स आ गए। एक यूनिफाइड हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, अलग अलग स्टेट में नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, उससे फायदे बता रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड क्या था आपका, स्पीडी जस्टिस का फोकस किया है, 60 डे में चार्जशीट करो और ट्रायल केस को 45 डेज में जजमेंट आना चाहिए। फोर्थ क्या है आपका, कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट की तरह इंक्लूड कर दिया। और फिफ्थ क्या है, जीरो एफआईआर। ये पांच पॉइंट हो, अब आगे चलते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, इंटरकोर्स विद द माइनर वाइफ, वो उसको क्या है, पनिशेबल बना दिया, ठीक है ना। तो 18 ईयर से अगर नीचे वाइफ है उसके साथ अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो इट्स अ पनिशेबल, इट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ रेप, ठीक। अर्लियर 15 ईयर्स तक था, अब इसको 18 तक कर दिया। ट्रायल इन एब्सेंशिया इज इंट्रोड्यूस फॉर सर्टेन क्राइम्स। कई बार क्या होता था, जो अक्यूज है या वो आता ही नहीं था, अब उसके अब इसमें लिखा सब में नहीं, इन सर्टेन केसेस लिखा है फॉर सर्टेन क्राइम्स, तो सर्टेन क्राइम्स में उसके बिना भी ट्रायल चलेगी और सजा भी उसको सुनाई जा सकती है। अब ये एक निरा उसको ढूंढ के रहो, वो मिल नहीं रहा है, केस चल रहा है, तो अगेन फॉर द स्पीडी जस्टिस। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया फॉर सर्टेन क्राइम्स भी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इंटरकोर्स विद अ माइनर वाइफ, उसको भी ऑफेंस में डाल रहे हैं। सेक्स वाया डिसीट विल बी पेनलाइज्ड, डिसीट मतलब डिसऑनेस्ट, फॉल्स प्रॉमिस करके कि इफ अ बॉय प्रॉमिस टू अ गर्ल कि आई विल मैरी यू, एंड उसके अगर देन उसमें अगर इस केस में इफ देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स या तो उसमें क्या होएगा कि दैट विल बी पेनलाइज्ड। लेकिन इसमें क्या है, कंसर्न आता है, मान लो स्टार्टिंग में दैट शुड बी कंसेंसुअल, तो स्टार्टिंग कंसेंस, बाद में इफ द गर्ल रिफ्यूज की कंसेंस नहीं था, तो देयर कैन बी लेकिन अदर साइड ऑफ दैट ऑल्सो। तो ये आपको नहीं लिखना कि मैं कह रहा हूँ ये कह रहा, आपको कहना है कि सम लीगल एक्सपर्ट हैव द कंसर्न। देखो ये लिखा है, ये लैंग्वेज यूज करनी है आपको, भाई बाकी लीगल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि देर कैन बी फॉल्स फॉल्स चार्ज ऑन द मेल ऑल्सो। सम लीगल एक्सपर्ट्स हैव कंसर्न कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशंस कुड एंड अप बीइंग क्रिमिनलाइज्ड, उनको भी क्रिमिनलाइज होता है। तो ये इसका, क्योंकि देखो कोई भी लॉ आता है उसके कुछ नेगेटिव भी आते हैं, तो हमें नेगेटिव साइड भी दिखानी है, क्रिटिकल एनालिसिस अगर आता है उसमें या डाउन साइड होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पब्लिक कस्टडी, सॉरी पब्लिक कस्टडी, पुलिस कस्टडी आएगा, इसको ठीक कर लेना, ये इट्स अ पुलिस कस्टडी। तो जो पुलिस कस्टडी का टाइम है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 डेज टू द 90 डेज। तो पहले मान लो 90 डेज, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए हो गया। तो पहले जो कस्टडी थी पुलिस कस्टडी, वो 15 डेज के लिए होती थी, उसके बाद फिर आप जो भी अक्यूज है उसको जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ता था, ठीक है। अब उसको इंक्लूड कर दिया, बढ़ा दिया 90 डेज। अब इसमें भी एक्सपर्ट्स को कंसर्न है कि भाई उसको ले लिया पुलिस ने, अब उसमें क्या होता है, टॉर्चर भी हो सकता है, टेम्परिंग भी हो सकती है बाद में, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि देयर कंसर्न क्या है कि मोर टाइम इन द पुलिस कस्टडी रेजेस फियर ऑफ टॉर्चर एंड टेम्परिंग, सेडिशन स्क्रैप ट्रेजन इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। देशद्रोह वर्ड जो है उसको डाल दिया और सेडिशन को हटा दिया, ठीक है। अब मान लो कि सेडिशन पे पहले काफी किसी पे लग जाता था, है ना, और उसपे लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी था, तो वो कह रहे वेलकम है कि सेडिशन जो वर्ड को हटाया दैट इज वेलकम, लेकिन जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है ट्रेजन, ठीक है ना, तो वो भी कह रहे इक्वली सामने कह रहे भाई, बाकी सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दैट कैन बी इक्वली ड्रैकोनियन, वो भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अभी आगे देखेंगे कैसे उसका यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है। तो स्क्रैपिंग सेडिशन इज वेलकम बट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस न्यू प्रोविजन इज स्टिल अनक्लियर एंड सम एक्सपर्ट से इट इज इक्वली ड्रैकोनियन। तो जो पहला वाला लॉ था जो सेडिशन का था वो इतना खतरनाक है, तो नया नाम तो दे दिया, पर कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नया वाला भी इट कैन बी इक्वली ड्रैकोनियन, तो ये भी कंसर्न है इसका, ठीक है। 6, 7, 8, 9, ये 10 पॉइंट है, 10 नंबर, ठीक है।
अब आओ 11 पे, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड जो एविडेंस थे, अब वो ईमेल्स में ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में, तो वो भी हम प्रेजेंट, उनको भी क्या मानेंगे कि दे आर एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ वुमेन रेप विक्टिम, तो अगर कोई वुमेन है जैसे है ना, वुमेन रेप विक्टिम है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो ये क्या हो रहा है, सेंसिटाइजेशन ऑफ द पुलिस। ठीक है, तो अब हमें ब्रॉड ब्रॉड याद करने हैं, वो देखो बस कीवर्ड देखने हैं। सबसे पहले क्या था, लिंचिंग, फिर क्या आ रहा था आपका ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेरर, ठीक है, थर्ड में क्या आ रहा था स्पीडी जस्टिस के लिए 40, 60 और 45 डेज, उसके बाद क्या था कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट में, फिफ्थ क्या था जीरो एफआईआर, सिक्स क्या था माइनर वाला माइनर वाइफ, सेवन क्या था आपका ट्रायल इन एब्सेंशिया, कि नहीं है तब भी ट्रायल चलते रहेगा, सेवन क्या था डिसीट वाला डिसीट है ना, और एट सेवेंथ हो गया, एट हो गया नाइन्थ, सिक्स सेवन एट, नाइन्थ क्या था पुलिस कस्टडी एक्सटेंड कर दी फ्रॉम द 15 डेज टू द 90 डेज, देन सेडिशन स्क्रैप ट्रेजन इंट्रोड्यूस ट्रेजन, देन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटाइज डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल वायर वीडियो रिकॉर्डिंग आर इंक्लूडेड इन द एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट क्या है आपका जो विमेन विक्टिम है रेप की दैट उसका जो एविडेंस होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय द विमेन पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे आपको अब ब्रॉड ब्रॉड आइडिया हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कुछ क्वेश्चन विमेन पे आ रहा है ना, तो भी आप लिख सकते हो कि भाई जो क्रिमिनल लॉज है दे आर मोर सेंसिटाइज टू द वुमेन्स, तो ये वाला प्रोविजन आप वहाँ पे लिख सकते हो, वो ऊपर वाला भी लिख सकते हो माइनर वाला भी, ठीक है ना, और डिसीट वाला भी लिख सकते हो, भाई पॉजिटिव भी होता है कई बार उसको, मान लो लड़की को पागल ही बनाया गया हो तो उसके लिए पॉजिटिव भी उसका दिखाना है उसको, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट, अगर मान लो आपको डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पॉइंट दिख सकते हो, है ना, जस्टिस का आ रहा है तो आप स्पीडी जस्टिस की बात कर सकते हो, तो अक्रॉस द सिलेबस आपको यूज करना है, और ये क्वेश्चन आ गया तो आप पूरे 12 पॉइंट लिख के आओगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव बता के आओगे, तो आपका आंसर वैसे ठीक हो जाएगा, ऐसे इसको करना है, ठीक है। और कई आ जाते हैं कि पुराने लॉज हैं उनको ठीक करना है ना, इस तरीके का कोई ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप ये एग्जांपल लेके कि गवर्नमेंट कैसे पुराने लॉज को आज के टाइम के हिसाब से चेंज करके नए लॉज लेके आ रही है, उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ सेक्शंस हैं जो चेंज हो गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो आप देखो पनिशमेंट फॉर मर्डर, प्रीवियसली जो सेक्शन था सेक्शन 302 कहते ना, 302 लग गया मर्डर के लिए, ठीक है ना, तो सेक्शन 302 इन द इंडियन पिनल कोड द ऑफेंस इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 103 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो जो पहले 302 था वो कितना हो गया अब 103, तो ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, अब तो यूपीएससी भी टेबल बनाने लग गई है, तो दे देगा ओल्ड न्यू मैच करवाएगा कि जो सेक्शन पहले 302 था मर्डर का वो किसमें आ गया निवाले में, भारतीय न्याय संहिता में 103, 302 की जगह, ये थोड़ा मैं याद करना है इसलिए मैंने प्रोविजन दिए हैं, कुछ भी पूछ रहे हो क्या करें फिर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 होता था, ठीक है ना, ये पनिशमेंट है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का वो सेक्शन था, इंडियन पिनल कोड के अंदर था ये 307, अब किसके अंदर आ गया 109, रेप का था 375, ठीक है, अब किसके अंदर आ गया 63, ये एक चेयर टेबल बना के लिख लेना है ना, तो वो बेटर याद रहेगा तुम्हें मेमोरी के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट का था सेक्शन 354A और अब आ गया सेक्शन 75। अब मान लो सेक्सुअल हरासमेंट का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप उसमें भी लिख सकते हो कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसका जो सेक्शन 75 है दैट टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, वो पॉइंट हो गया आपको, उनको सिखाएगा लीगल नॉलेज पता है आपको, तो वो ये उसी को आप मल्टीपल यूज करो। डिफेमेशन का अर्लियर था 499, अब हो गया 356, कुछ इसको रिलेट कर सकते हो इमरजेंसी से, है ना, आर्टिकल 356 की इमरजेंसी, तो ऐसे कुछ ना कुछ कोड बना के हमें याद करना पड़ेगा, टेबल बनाओगे तो मैं कोड बना दूंगा फिर उसे याद कर लेंगे, टेबल बना के लानी कल आपने, पहले क्या था आप क्या हो गया सेक्शन का भी। चीटिंग का पहले होता ना 420 का केस होता था, अब 420 हटके किसमें चला गया 318 में, 420 आपको पता ही है 420 का केस होता है, तो चीटिंग का होता था वो केस, अब भारतीय न्याय संहिता में वो 318 में आ गया। सेडिशन, ठीक है, तो सेडिशन पहले किसमें था सेक्शन 124A, अब वो ट्रेजन में आ गया, पर सेक्शन कौन सा है उसका 152, ठीक है, ये बस बेसिकली। तो ये कुछ मैंने आपको प्रोविजन बता दिए, कुछ सेक्शन बता दिए, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब स्ट्रक्चर बन गया, अब छोटा मोटा कुछ चेंज होएगा तो इसी नोट्स में अपने ऐड करना है, एक टॉपिक कवर हो गया।